नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रही हूँ ऑफ 27th of September 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए हमारा पहला न्यूज क्या है, इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल द डेमोक्रेसीज, प्राइम मिनिस्टर सेज एट यूएनजी। लो तो ये जो न्यूज है रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को लेकर एक न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज नरेंद्र मोदी इज नाउ एट द विजिट ऑफ यूएसए। तो वो यूएसए के विजिट पे गए हुए हैं, ठीक है, यूएसए के विजिट पे गए हुए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द मीटिंग ऑफ क्वाड समिट, ठीक है, क्वाड समिट के लिए यूएस के विजिट में गए हैं एंड लास्ट डे वो समिट में उन्होंने स्पीच दिया है। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग बहुत कुछ, लेकिन उनमें से एक इम्पोर्टेंट लाइन है दैट इज भारत इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कंट्री, ठीक है। अब देखिए ये जो उन्होंने स्पीच दिया है कहाँ पर दिया है, उन्होंने स्पीच दिया है यूएनजीए। तो यूएनजीए का मतलब फुल फॉर्म क्या है, दैट इज यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उन्होंने स्पीच दिया है। अब देखिए ऐसा क्यों स्पीच दिया है, बिकॉज वी ऑलरेडी कंप्लीट द 75th ऑफ द इंडिपेंडेंस ईयर एंड ऑल्सो द डेमोक्रेटिव नेचर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 1000 ईयर। तो उन्होंने ये बात कहा है क्योंकि बहुत सारा कंट्री है जो डेमोक्रेटिव फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी रूल, तो As we are completing 1000 year of democracy, so इसीलिए उन्होंने कहा है India is the mother of all democracy। तो देखिए वो जो democratic country के लिए बोला है, और भी speech था कि और देखिए जो speech था regarding what, regarding they are discussing about the climate change, reduce poverty and the development of Afghanistan, because we all are worried regarding the Afghanistan and also the point out China and Pakistan, ठीक है, China और Pakistan को point out किए हैं because somehow these country are promote the terrorism, क्योंकि उनको लगता है कि किसी ना किसी की तरह वो जो terrorism group है वो कहाँ से आते हैं, वो ये China या पाकिस्तान से आते हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो UN है, United Nation है, इसके regarding question, what is United Nation? It's an international organization, right? इसका कितना member है? 193 members है, ठीक है, and उसका headquarter कहाँ पर है? New York City में, ठीक है, New York City। अब देखिए and it is the sometime called, ये जो UN है इसको याद रखिए, इसका और एक नाम क्या है, that is पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या न्यूज है, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट विल बी अमेंडेड सून से अमित शाह। देखिए अमित शाह जी ने क्या बोला है, अमित शाह जी ने बोला है सपोज देखिए ये जो ब्लू बॉक्स पे दिया हुआ है, ब्लू बॉक्स यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सपोज दिवाली इज राउंडेड कॉर्नर, ठीक है, दिवाली ऑलमोस्ट आ चुका है एंड समवन नीड्स 1000 टू सेलिब्रेट इट, ठीक है, 1000 रुपया किसी को जरूरत पड़ गया है, ठीक है, सेलिब्रेट करने के लिए, बट मेडिकल इमरजेंसी के लिए उसके पास नहीं है। अब देखिए ओनली द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी कैन हेल्प हेयर, ठीक है, कौन हेल्प कर सकता है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, बिकॉज अगर देखिए अगर हम बैंक में 1000 रुपया मतलब लोन के लिए लेने जाए तो क्या होगा, वी नीड डॉक्यूमेंट, बट देखिए ये जो एग्रीकल्चरल मतलब इमरजेंसी फंड है वहां पे क्या होगा, वी डू नॉट नीड एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूज है रिगार्डिंग व्हाट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट विल अमेंडेड, ठीक है, ये जो एक्ट है ये अमेंडमेंट होगा। अब देखिए ये जो अमेंडमेंट होगा ये पहले किस साल आए थे, दैट इज इट इज एनेक्टेड इन द ईयर ऑफ 1984, आई रिपीट इट इज एनेक्टेड इन द ईयर ऑफ 1984 थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। अच्छा चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए कल्चरल मैपिंग ऑफ 75 विलेजेस सून। अब देखिए ये जो कल्चरल मैपिंग है, ठीक है, देखिए बहुत सारा इंडिया में बहुत सारा कल्चर है मतलब जो हमें पता ही नहीं है। अब देखिए IGNC, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, IN ये आपको याद रखना है, IGNC इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट,
इन्होंने क्या किया है, प्रोजेक्ट तैयार किया है ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसका जो बजट है इट ऑलमोस्ट 89 करोड़, ठीक है, 89 करोड़। अब देखिए इसका मोटो क्या है, गो टू द 5000 विलेज, ठीक है, कितना जाना है, 5000 विलेज में जाना है एंड कॉम्प्लीट द मैपिंग, मैपिंग पूरा कंप्लीट करना है। अब देखिए ऑलमोस्ट 14.53 लाख, ठीक है, 14.53 लाख पर्सन ने रजिस्टर्ड किया है, कहाँ पर, दैट इज NMCN, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग पे रजिस्टर्ड किया है। क्यों, वहां पर ये लोग मैपिंग करेंगे, बिकॉज देखिए ये जो इंडिया है बहुत बड़ा है, यहाँ का कल्चर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसीलिए 5000 विलेज वो मतलब मैपिंग करने जाएंगे। उसका मोटो क्या है, NMCN का, NMCN का मोटो है कलेक्ट द आर्ट एंड कल्चर एज मच एज कैन पॉसिबल, ठीक है। ये जो NMCN है ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, इन द ईयर ऑफ 2017, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए अलर्ट साउंडेड इन ओडिशा ओवर साइक्लोन गुलाब, ठीक है। देखिए ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था, बिकॉज हम लोगों को सभी को पता है वहां पर फोरकास्ट हुआ था गुलाबों को लेकर, ठीक है, गुलाब। अब जो साइक्लोन आया है ओडिशा के कहां पर, ओडिशा का साउदर्न डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। एंड ये जो साइक्लोन के वजह से, ठीक है, क्या होता है, लैंडस्केप होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फ्लड भी आ जाता है, तो वहां का जो मतलब रेसिडेंशियल मतलब रेसिडेंट है उन लोगों का बहुत खराब कंडीशन रहता है, जो मतलब कोस्टल एरिया में रहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, गवर्नमेंट चाह रहा है कि फोकस इसी पर करना है कि मिनिमम डैमेज हो उन लोगों, मतलब मतलब ज्यादा डैमेज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिए ये जो साइक्लोन है ये क्या साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पर लिख रही हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो साइक्लोन आता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ साइक्लोन, ठीक है। अब देखिए साइक्लोन, अगर इंडिया में कोई भी साइक्लोन हो उसका नाम बोला जाता है साइक्लोन, क्लियर। अब देखिए यही साइक्लोन अगर जापान या चाइना में होते हैं, जापान या चाइना में, तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज टाइफून, ठीक है। अब देखिए यही साइक्लोन अगर मतलब साउथ और नॉर्थ अमेरिका में होगा, साउथ और नॉर्थ अमेरिका में होगा, तो इसका नाम क्या दिया जाएगा, दैट इज हैरिकेन, ठीक है, हैरिकेन, ये आपको याद रखना है। एंड लास्टली अगर ऑस्ट्रेलिया में ये होगा यही सेम साइक्लोन, उसको विली विल्स दिया जाएगा, ठीक है। यही लास्ट ईयर का यूपीएससी का क्वेश्चन था कि साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, क्लियर। अच्छा चलिए नेक्स्ट न्यूज में जाते हैं, ये जो नेक्स्ट न्यूज है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं इसका नाम क्या है, चिनूक, ठीक है, चिनूक। एंड ये क्या कर रहा है, ये डाल लेक के ऊपर मतलब एयर शो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लियर। तो डाल लेक कहाँ पर है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये श्रीनगर, श्रीनगर पर है। देखिए वो जो पिक्चर के नीचे भी दिया हुआ है, चिनूक हेलीकॉप्टर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग ओवर द डाल लेक इन श्रीनगर ऑन सैटरडे, ठीक है, तो वो रिहर्सल कर रहा है एयर शो के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए क्वाड टू काउंटर अफगान ओरिजिन टेरर, इंडिया यूएस फाइन अलाइनमेंट ऑन द इंडो पैसिफिक फाइटिंग टेररिज्म, एंड लास्ट वन क्वाड लीडर ड्रॉ अप द टेक्निकल प्लान। ये तीनों जो आर्टिकल है मैंने मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक और 2 वीक से पढ़ा है, तो तीनों को पंच करके हम बोलेंगे। देखिए क्वाड जो मीटिंग था, मैंने बोला है कि मतलब मोदी जी ने, मोदी अब कहाँ पर विजिट के लिए गया है, दैट इज यूएस के विजिट के लिए गया है, किस लिए, क्वाड का समिट है। तो देखिए वहां का जो समिट हुआ उसका तो टॉपिक मैंने बोल ही दिया है। देखिए क्वाड का जो मेंबर है, यहाँ पर आप चारों पर्सन देख ही पा रहे हैं, दैट इज देखिए जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज योशिहिडे सुगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी इंडिया, मतलब एक है जापान एक है इंडिया। अब यूएस प्रेसिडेंट दैट इज जो बिडेन यूएस, एंड लास्ट वन ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। ये चारों क्वाड का मेंबर है, वहां पर मतलब एक मीटिंग हुआ था रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द अफगान ओरिजिन टेरर, ठीक है, अफगानिस्तान को लेके, टेररिज्म के लेके कि कहाँ से आया ये एंड हाउ टू प्रिवेंट आवर कंट्री फ्रॉम टेररिज्म, ये सब को लेकर। नेक्स्ट देखिए इंडिया यूएस अलाइनमेंट ऑन द इंडो पैसिफिक फाइटिंग टेररिज्म। अब देखिए
मतलब सभी कंट्री स्पेशली क्वाड जो कंट्री है, मतलब क्वाड जो मेंबर है, दे आर वरिंग अबाउट द चाइनाज एग्रेशन। चाइनाज एग्रेशन के लिए क्यों परेशान है? बिकॉज दे वांट टू कैप्चर द इंडो पैसिफिक रीजन। मैंने आपको एक वीडियो में बोला भी था इंडो पैसिफिक रीजन में क्या क्या आता है, ठीक है, वो आप कमेंट करके बोल भी सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन को लेके जो चाइना का जो एग्रेशन है, इसीलिए वो लोग वरिड है, और वही मीटिंग का मेन डिस्कस पॉइंट था। एंड लास्ट वन, क्वाड लीडर ड्रॉ अप द टेक्निकल प्लान। अब देखिए, क्वाड एक मतलब क्वाड मैंने बोल दिया है, एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, और भी नया ऑर्गेनाइजेशन आया है, दैट इज ऑकस, ठीक है। ऑकस, तो ऑकस का देखिए जो जो मेंबर है, एक है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। अब देखिए, यूएस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील किया है, कैसा डील? ऑस्ट्रेलिया इज नॉट हाईली मतलब टेक्नोलॉजिकल जो पोजीशन है वो यूएस की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यूएस क्या कर रहा है, ऑकस को हेल्प कर रहा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को जो है टेक्निकल इशू हो रहा है, तो टेक्निकल हेल्प कौन करेगा? यूएस करेगा। तो थ्रू दिस ऑकस मेंबरशिप ऑस्ट्रेलिया कैन गेट हेल्प फ्रॉम यूएस। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, म्यांमार प्रो डेमोक्रेसी मार्च अगेंस्ट जनता। तो यहाँ पर जो जनता वर्ड आप देख रहे हैं ना, इसका मीनिंग क्या है, जनता का जो वर्ड है इसका मीनिंग है मिलिट्री, ठीक है। अब देखिए, वहां का 1 फरवरी का न्यूज था, ठीक है, म्यांमार का जो जनता है मतलब आर्मी है वो पूरा कंट्रोल कर लिया है वो म्यांमार को, ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है, वहां पर बहुत गोली बारूद हो रहा है, तो इसीलिए वहां का जो मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, तो इसीलिए ये न्यूज में है। और देखिए लास्ट के न्यूज है, तालिबान हैंग बॉडीज फॉर 4 किडनैपर इन हेरत। अब देखिए, अफगानिस्तान किसके कंट्रोल पर है? तालिबान, ये मुझको, ये आपको लोगों को भी पता है, ठीक है। वहां पर गवर्नमेंट भी तैयार हो चुका है, ये भी आपको पता है, कैबिनेट भी बन चुका है, ये भी आपको पता है, लेकिन लास्ट क्या हुआ था, देखिए 4 किडनैपर है, ठीक है, वो जो पकड़ा गया है, तो देखिए अब तालिबान का जो रूल आ गया, तो उनका पनिशमेंट क्या तौर तरीका भी डिफरेंट होगा, तो उन्होंने क्या पनिशमेंट दिया है, उन्होंने मतलब फांसी दे दिया है, ठीक है। तो यही न्यूज में है, मतलब व्हाट इज द रूल एंड व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ तालिबान, यू हैव टू रिमाइंड दैट बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर पनिशमेंट। चलिए आज तक न्यूज यहीं तक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर बींग विथ मी।